मॉर्निंग हालत बच्चों, आज पढ़ेंगे पार्ट 5 सरल विश्ववाणी, जिसके कवि हैं पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कविता पाठ है। इस पाठ में कहा गया है, चौमास के पानी पर आए जाना माना अब आकाश है, चौर सही खराब है। जग जग ने अब चंदा उठे बादल देखे फरियर, पृथ्वी माता चारों फूटले दिखे हरियर हरियर। ऋग्विग ने अब अन्नपूर्णा भर खेतन खेत माँ छावे। कवि यहाँ पर बात कहते हैं चौमास के पानी पर आगे, चार मास का वो पानी वाला बरसात वाला समय जो है छट गया है, बीत गया है, चला गया है। अब उस चार मास बरसात के बीतने के बाद कौन से मास का आगमन हो गया? शरद ऋतु का आगमन हो गया है। और आप जानते हैं जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है, जाना माना आकाश है, ऐसे लगता है जानो, हम जानते हैं मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो चावल के समान, चावल के समान, छले हुए चावल के समान वह बहुत साफ दिखाई दे रहा हो। और आगे बात कहा गया, जग जग ने अब चंदा उठे बादल ने देख लिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि बादल से, जो बादल बरसात के समय जो घूमड़ रहे थे, बिखर रहे थे, इधर उधर घूमड़ रहे थे, वो बादल जो है अब फरियर हो गए हैं, अर्थात छट गए हैं। और यह आकाश जो है, यह चंदा जो है उदित होने लगा है, जग जग ने उदित होने लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। पृथ्वी माता चारों उठले दिखे हरियर हरियर, और यह धरती माता जो है चारों दिशाओं से ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो चारों से हरियर हरियर दिखाई दे रहा हो, फसलों से लहरा रहा हो। ऋग्विग ने अब अन्नपूर्णा है खेतन खेत में छाके, और ऐसे प्रतीत होता है कि मानो अन्नपूर्णा माता, अर्थात अन्न प्रदान करने वाली देवी, देवी जो है अन्नपूर्णा प्रदान, अन्न प्रदान करने वाली लक्ष्मी जो है खेतों में झिलमिलाते हुए उदित हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और आगे बात कहा गया, नदियां और तरिया के पानी कमती हुए लागे, रद्दा के चौमास के चिखला झंझटाहा भर भागे, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अभागे। और आगे कवि बात कहते हैं, नदी तालाब के पानी जो है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे बरसात होता है नदी तालाब में वह बरसात का जल है भरने लगता है, लेकिन जैसे बरसात जो है समाप्त होता है तो जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है धूम के माध्यम से, कोहरा के माध्यम से, वह नदी तालाब का जल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, कमती हुई लागी सजल कम होने लगता है, ऐसे बात कहा गया। रद्दा के चौमास के चिखला, बरसात के समय में चारों तरफ जो कीचड़ होता है, चिखला कहा गया, कीचड़ होता है, वो कीचड़ जो है वो झंझटाहा है भागी, अर्थात कीचड़ के समय लोगों को चलने में परेशानी होता है, कीचड़ में चलने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, झंझट लगता है, वह चौमास का समय जो है, बरसात का समय जो है अब भाग गया है, समाप्त हो गया है। और आगे बात कहा गया, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अभागे। आगे बात कहते हैं, आज ऐसा लगता है कि मानो ये धरती माता जो है भर पेट पानी पीकर आज आभा गया हो, आज तृप्त हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, दो पर ध्यान, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।